जय टेगरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन अकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 35 का पार्ट वन सीखेंगे, अध्याय 5 चल रहा है, प्रश्नावली 5.3 सीखेंगे। मैंने को पिछली वीडियो में 5.2 का 17वां प्रश्न कराया था, तो 18वां, 19वां, 20वां प्रश्न बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। पर 5.3 के पहले क्वेश्चन के चारों वाले और उदाहरण नंबर 11 वाले पांचों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो सुबह वाली वीडियो में आपको मैं फर्स्ट के 3 क्वेश्चन सिखा दूंगा, उसके बाद अपन नाइट वाली वीडियो में प्रश्न फर्स्ट का 4th वाला और उदाहरण नंबर 11 अपन दोनों क्वेश्चन सीख लेंगे, तो 5.3 के पांचों क्वेश्चन अपने बर्डन हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे 5.1 के 3 क्वेश्चन सीखेंगे शुरुआत के। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, या आपके पास समांतर श्रेणी है इसका योग ज्ञात करना है, योग का अपन को सूत्र लगा देना है। सिंपल सा टॉपिक है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, एपी, या आपको एपी दे रखी है और आपको योग ज्ञात करना है, योग का आप सूत्र लगा दोगे। तो करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे दिया है, कॉमा लगाओगे आप, एपी, तो आपको एपी कौन दिखाई दे रही है, 2, 7, 12, 10 पदों तक है, 2, 7, 12 कितने पद हैं अपने पास, 10 पद हैं, कितने पद लिख दोगे आप, 10 पद लिख दोगे। अब कौन कौन निकालोगे आप, ए निकालोगे, डी निकालोगे, एन निकालोगे और ये का सूत्र लगा दोगे, योग मतलब क्या होता है, एसएन, एसएन का मतलब सूत्र लगा देंगे। जो 5.2 में सीख रहा सेम वही का वही है, यहां केवल कौन आ गया, योग आ गया, तो आपको योग का सूत्र लगा देंगे। तो पहले कौन निकालोगे, ए, फिर डी, फिर कौन निकालोगे, एन, और कौन ज्ञात करोगे आप, एसएन ज्ञात करोगे। तो पहले कौन निकालते हैं अपन, ए, डी और एन, देखो यहां करके कौन आएगा पहले, प्रथम पद, प्रथम पद क्या बोला जाता है, ए, प्रथम पद ए, तो आपको पता है प्रथम पद ए कैसे निकाला जाता है, जो भी आपको संख्या आगे दिखाई देती है, तो आपको आगे संख्या कौन दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, तो प्रथम पद ए कितना लिख लोगे, 2 लिख लोगे। ए के बाद कौन निकालते हैं, डी, वो क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर डी, तो सार्वांतर डी का सूत्र क्या होता है, A2 - A1, सार्वांतर डी का सूत्र क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो को पता है कि पहला वाला A1 होता है, दूसरा वाला A2 होता है, मान रख दो A2 कौन है, 7 है, तो A2 कौन है, 7 है, माइनस A1 कौन है, 2 है, तो A1 कौन है, 2 है, 7 माइनस 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। अब कौन निकालते हैं, N, पदों की संख्या, N पदों की संख्या क्या होता है, N, क्या होता है, N, तो मैंने आपको ये सिखाया था जब भी पद के साथ कोई संख्या होती है वो किसका मान होता है, एन का, जब भी पद के साथ कोई संख्या होती है किसका मान होता है, वो एन का। तो पद के साथ संख्या कौन दिखाई दे रही है, 10 दिखाई दे रही है, तो एन का मान कौन हो जाएगा, 10। आपने ए भी निकाला, डी भी निकाला, एन भी निकाला, आपको कौन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, योग मतलब क्या होता है, एसएन होता है, योग मतलब क्या हो जाता है, एसएन बराबर प्रश्नवाचक, आपको योग यानी एसएन आपको ये ज्ञात करना है। तब लिखोगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे, हम जानते हैं कि, सूत्र आप सबको पता है क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी, सॉरी योग ज्ञात कर रहा है ना, मुझे वो एनवा पद का मान सूत्र लगा जो 5.2 में अपन ने सीखे थे, इसमें योग ज्ञात कर रहे हैं, तो एक का सूत्र लगाओ क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्ठक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 और d, इसमें मानों को आप रख दो। देखो s का कौन है, s, n, देखो आपके पास n का मान कौन है, 10 है, तो आप n के कौन लिख लोगे, 10, यही वाला 10वां पद है, कितना पद, ये 10वां पद, यही 10 वाले पद का अपन को योग ज्ञात करना था, तो n के अकाउंट लिखा मैंने, 10 लिखा, n के अकाउंट है 10 है,
नीचे कौन चल रहा है, दो है, दो का दो, क्वेश्चन क्या मानते हैं इनटू, आपके पास ए का मान कौन है, दो है, तो आप ए की अकाउंट लिख लोगे दो, प्लस का प्लस, एन का मान वो दस लिखा था अपन ने, तो एन का मान कौन रहेगा दस, माइनस का माइनस, एक का एक, कुछ ना हो तो इनटू, डी का मान आपके पास कौन आया है पांच, तो आप डी की अकाउंट लिख लोगे पांच, कोष्ठक बंद, एस टेन का एस टेन काट दो, दो के बाद दस कितनी बार में आते हैं पांच बार, क्यों दो पंजे दस, दो इंटू दो चार, प्लस का प्लस, दस माइनस एक नौ, इंटू में कौन चल रहा है पांच, तो पहले प्लस होता है इंटू होता है, पहले पहले कौन होता है इंटू, तो कौन करेंगे अपन इंटू, एस टेन पांच का पांच, चार का चार, प्लस का प्लस, नौ इंटू पांच, नौ इंटू पांच इतना हो जाता है पैतालीस, एस टेन का अपने पास कौन है एस टेन, बराबर का बराबर, पांच का पांच, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू, चार प्लस पैतालीस कितना हो जाता है उनचास, एस टेन का कौन है आपके पास एस टेन, बराबर का बराबर, पांच इंटू उनचास कितना हो जाता है 245, तो अपना आंसर कौन आया 245, लास्ट में लिख दोगे अतः दी हुई एपी के, अतः दी हुई एपी के 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना आया 245, तो 245 है। इस प्रकार अपने आज की वीडियो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीखा। अब नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ले स्क्रीनशॉट, इसी में आपको सेकंड वाला करा दूंगा, नहीं अच्छा अगले पेज पे सेकंड वाला कर लो, खत्म करो मैटर। देखो अगला भी वही है, सेकंड वाला क्या है, अब कितने पद निकालना है, माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29, 12 पदों तक, क्वेश्चन वही हेडिंग सेकंड वाला अपन कर रहे हैं, वही कौन याद करना है योग दिया है, क्या लगाओगे कॉमा लगाओगे एपी, तो आपको एपी कौन दिखाई दे रही, माइनस का 37 माइनस का 33, एक मिनट डिस्ट्रेशन वेट करना, कॉल आ रहा है किसी का। अब देखो डियर स्टूडेंट, माइनस का 29 डॉट 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 डॉट, कितने पद हैं अपने पास 12 पद हैं, कौन लिख दूंगा मैं 12 पद। अब देखो सेम वही कौन निकालोगे पहले ए, यहां करके प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, ए का मान कहां से निकालते हैं जो आगे होता है, आगे कौन माइनस का 37, ए कौन आ जाएगा माइनस का 37। अब निकालते हैं डी, सार्वांतर डी, सार्वांतर डी का सूत्र क्या होता है ए टू माइनस ए वन होता है, देखो आगे अब थोड़ा ध्यान से देखना बोर्ड पर, पहला वाला ए वन दूसरा वाला ए टू, ए टू को ना माइनस का 33, ए टू माइनस का 33, माइनस वाला कोष्ठक के अंदर माइनस का माइनस, ए वन को ना माइनस का 37, ए वन को ना माइनस का 37, माइनस वाला कोष्ठक के अंदर माइनस का 33, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 37 का 37, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 37 में 33 को घटाएंगे कौन आएगा 4, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा है, प्लस चिन्ह तो आगे लगाते नहीं है। अब कौन निकालते हैं एन, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर, तो जो भी पद के साथ संख्या होती किसका मान होता है एन का, तो पद के साथ संख्या कौन है 12 है, तो एन का मान कौन हो जाएगा 12, कौन ज्ञात करना है आपको योग ज्ञात करना है, योग, योग मतलब क्या होता है एस एन, एच एन बराबर, एस एन बराबर प्रश्नवाचक, वही सूत्र लगा दो। अब हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या लगाओगे कॉमा, वही एक का सूत्र लगाओ क्या होता है वो एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस कोष्ठक के अंदर एन माइनस वन और डी, इसे मान रख दो आपके एस का चल ही रहा है एन, आपके पास एन का मान कौन है 12 है, तो आप एन क्या कौन लिख लो 12, यही 12 पद है, इन्हीं 12 पद का आपको योग ज्ञात करना था, एन का मान कौन है 12, एक मिनट, हेलो,
हाँ मैं तो वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर अभी। हाँ राम भैया नीचे कौन रहेगा? दो। दो का कौन चल रहा है? दो। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू। ए का मान कौन है? माइनस का 37। तो ए का मान कौन लिख दो? माइनस का 37। माइनस वाला किस में आएगा? कोष्टक में। प्लस का प्लस। आपके पास एन का मान कौन है? 12 है। डी का मान कौन है? 4 है। एन का मान कौन है? 12 है माइनस एक का एक। कुछ ना हो तो इनटू। डी का मान कौन है? 4 है। एस 12 का एस 12 बराबर का बराबर। दो के बारे में 12 कितनी बार में आते हैं? 6 बार में। अब देखो इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 इंटू 37 कितना होता है? 74। प्लस का प्लस। 12 माइनस 1 11। इंटू में कौन चल रहा है? 4। एस 12 का आपके पास कौन है? एस 12 बराबर 6 का 6। पहले इंटू होता प्लस होता माइनस होता है। पहले कौन होता है? इंटू। माइनस का 74 प्लस 11 इंटू 4 कितना हो जाता है? 44। एस 12 का एस 12 6 का कौन चल रहा है आपके पास? 6। कुछ ना क्या मान इंटू माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 74 में 44 को घटाओ कितना आएगा? 34 30। तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है? माइनस बड़ा। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस वाला कोष्टक के अंदर। एस 12 का एस 12 इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 6 इंटू 30 कितना हो जाता है? 180। लास्ट में लाइन लिख दोगे अतः दी हुई एपी के दी हुई एपी के एन गण 12 था ना। हाँ 12 पदों का योग 12 पदों का योग कितना आया? माइनस के 180। माइनस 180 है। तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। तीसरा भी सेम वही है। कौन ज्ञात करना है? योग। हेडिंग वही है, हर बार हेडिंग करवाइए, सेम में रिपीट करवाइए। कौन सा पढ़ रहा है? थर्ड वाला। कोई लिखोगे दिया है, कॉमा लगाओगे आप एपी, तो एपी कौन दिखा दे रही है आपको? 0.6 1.7 2.8 कॉमा डॉट 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 डॉट। कितने पद हैं? 100 पद हैं। अब देखो वो कौन निकालोगे? एडी और एन। कौन याद करोगे? एस एन। यहां करके प्रथम पद ए, प्रथम पद ए मतलब कौन सा मान होता है? जो आगे मान होता है। आगे कौन दिखाई दे रहा है? 0.6। कौन दिखाई दे रहा है? 0.6। ये कौन लिख लोगे? 0.6। अब कौन निकालोगे? सार्वांतर। तो सार्वांतर डी का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। इसे मान रख दो बस के वाला। देखो A2 पहला वाला A1 दूसरा वाला A2। A2 कौन है? 1.7 माइनस A1 कौन है? 0.6। A1 कौन है? 0.6। अब पॉइंट को अभी आप भूल जाओ तो 17 में से 6 को माइनस करो। 17 माइनस 6 कितना होता है? 11। इन दोनों संख्या के बीच में पॉइंट, इन दोनों संख्या के बीच में पॉइंट, इन दोनों संख्या के बीच में कौन आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। डी का मान कौन है? 1.1। अब निकालते हैं एन पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर जो लास्ट में संख्या होती है, पद के साथ जो संख्या होती है वो एन का मान होता है। पद के साथ संख्या कौन है? 100 है। एन का मान कौन हो जाएगा? 100। कौन ज्ञात करना है आपको? योग। योग मतलब कौन हो जाएगा? एस एन। एस एन बराबर प्रश्नवाचक। वही सूत्र लगाओगे आप। हम जानते हैं कि क्या लगाओगे? कॉमा। वही सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस कोष्ठक के अंदर एन माइनस वन और डी। मान रख दो इसमें एस का कौन चल रहा है आपके पास? एस। आपके पास एन का मान कौन है? 100 है। तो आप एन के कौन लिखो? 100। इसी 100 पद का आपको योग ज्ञात करना है। एन का मान 100, वटे में 2, 2 का 2, कुछ ना हो तो इनटू। ए का मान 0.6, तो ए का मान 0.6 प्लस का प्लस। एन का मान कौन था? 100। माइनस का माइनस, एक का एक।
कुछ ना हो तो इन टू। डी का मान कौन है? सॉरी ये का मान, हाँ ये का मान 0.6 ही रखा था ना मैंने, हाँ डी का मान कौन है 1.1, तो डी का मान कौन है 1.1। कोष्टक के कोष्टक बंद। एसओ का एसओ, दो के बाद 100 कितनी बार में आते हैं 50 बार में, 2 × 2 का समीकरण 0.6, पॉइंट को भी आप भूल जाओ, 2 × 6 कितना होता है 12, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, तो अपन पीछे से एक संख्या पहले का लगा देते हैं पॉइंट, एक संख्या पहले का लगा देते हैं पॉइंट, 2 × 0.6 कितना होता है 1.2, प्लस का प्लस, 100 − 1 = 99, इंटू कौन चल रहा 1.1, एसओ का एसओ बराबर का बराबर, 50 का 50, पहले कौन होता है इंटू 1.2, प्लस का प्लस। अभी आप पॉइंट को भूल जाओ, 99 × 11 में करना, किसमें करना 99 × 11 में, तो ये आएगा 1089, कितना आएगा 1089। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक संख्या है, एक संख्या पहले लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं, एसओ का एसओ बराबर का बराबर, 50 का 50, कुछ ना क्या मानते हैं इंटू मानते हैं, तो आपको 108.9 प्लस 1.2 को जोड़ना है, देखो 108.9 और 1.2, तो 1.2 पॉइंट नीचे पॉइंट आता संख्या नीचे संख्या आती, इनको जोड़ लो, 9 और 2 11 11 का 1 हासिल आई 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 और 8 9 9 और 1 10 10 का 0 हासिल आई 1 1 और 0 1 और 1 का 1 कौन आया 110 पॉइंट में 1 आ गया। इनका इंटू कर लो, एसओ का एसओ, तो इनका इंटू कर लोगे आप तो ठीक है, इंटू करना इसका आंसर आएगा 5005, कितना आएगा 5005 आएगा, या फिर 55 मतलब 5 या 505 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, मुझे याद नहीं है, कोई इंटू कराऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो 50 का इंटू अब 110.1 में करना, इसका आंसर ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, मैं परफेक्ट याद नहीं है, तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप यही वाला आंसर आएगा, कितना आएगा 5 या 505 ही आएगा 5505, तो लास्ट में लाइन लिख देना बताहा दी हुई एपी के इंटू कर लेना, आपका आंसर एक बार चेक कर लेना ठीक है, दी हुई एपी के 100 पदों का योग, 100 पदों का योग कितना है 5505 है, एक बार आप पीछे चेक कर लेना ठीक है आंसर। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपन ने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, थैंक यू।